चेक कर लिए। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम टू वीके यादव मैथ्स। जैसा आपका डिमांड मैंने कमेंट में पढ़ा, तो फिर से एक वीडियो है जिसमें आपने डिमांड किया था कि सेंटर ऑफ सर्कल के बारे में बताएं सर, है ना। तो देखिए मैंने सभी चीज को लिख दिया है और 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को अगर आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपका ज्योमेट्री में इंटरेस्ट आने लगेगा। अगर इससे क्वेश्चन मेंसुरेशन में आए या आपसे ज्योमेट्री में आए, आपसे नहीं छूटेगा। तो सबसे पहला टर्म है क्या, अंतः केंद्र, इंग्लिश में क्या होता है, इन सेंटर। और इन सेंटर अगर मिल जाएगा, कहीं पे भी केंद्र मिल जाएगा तो उससे वृत्त बनेगा ही। तो क्या हो गया, इन सर्कल, क्या वृत्त बना आपका, इन सर्कल, अंतः वृत्त। तो डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा है परिकेंद्र, जिसको बोलते हैं सर्कम सेंटर, और इसके द्वारा जो वृत्त बनेगा उसको सर्कम सर्कल इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे क्या, परिवृत्त। तो ठीक है, पहले नाम को हम लोग जो समझ लेते हैं। और एक है होता है आपका लंब केंद्र, और दूसरा होता है क्या, चौथा क्या होता है, केंद्रक, सेंट्रोइड। अब देखिए ये भी सेंटर है एक तरीके से देखा जाए, लेकिन इसके द्वारा कोई भी वृत्त का निर्माण नहीं होता। ये सेंटर ऑफ ट्रायंगल लिखा गया ऊपर में, है ना। यानी कि जितना भी ये चर्चा होने वाला है त्रिभुज के बारे में चर्चा हो रहा है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्या, इन सेंटर। क्या देखते हैं बाबू, इन सेंटर, इन सेंटर। थोड़ा फास्ट ही बताएंगे लेकिन आपको चीजों को समझ में आ जाएगा। इन सेंटर बनता कैसे है, पहले इसकी कहानी देख लेते हैं। देखिए इन सेंटर जो बनेगा, अपने बचपन में सुना होगा, है ना, प्रकार लेके कोनों को समद्विभाजक करते थे, है ना। कोनों को क्या करते थे, समद्विभाजक। तो एबीसी कोई भी ट्रायंगल हो सकता है ना, कोई भी किसी भी तरीके का त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज जिसको स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, है ना, और राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, किसी भी प्रकार का त्रिभुज के लिए वैलिड है क्या, इन सेंटर। तो अब ध्यान समझेंगे इन सेंटर बनाते कैसे हैं। तो इन सेंटर बनाना बहुत आसान है ना। इस तरीके से बचपन में हम लोग क्या करते थे, किसी भी कोण को प्रकार से मापते थे, और उस प्रकार को ऐसे मापने के बाद आधा करते थे। क्या करते थे, आधा, आधा से हम लोग ज्यादा लेके इधर काटेंगे, उसी प्रकार से आधा से ज्यादा लेकर इधर से काटेंगे, और जहां पे ये कटेगा यहां से एक लाइन बनाएंगे, है ना। सेम प्रोसेस सेम में होगा, मतलब कोनों के समद्विभाजक करना। समद्विभाजक मान लिया यहां पे आया, है ना, और ये बिल्कुल ऐसे मिला। इस तरीके से इसका कोण को अगर समद्विभाजक किए तो ये ऐसे मिला, और ये जिस पॉइंट पे मिलता है, जिस पॉइंट पे मिलता है, इस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर। इन सेंटर मतलब क्या, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। अब बात होता है कि सर इसमें टर्म क्या क्या है ना। तो देखिए मेंसुरेशन और ज्योमेट्री दोनों का प्रॉपर्टी मैं यहां पर लिख दूंगा, आप जीवन में कभी नहीं भूले। देखिए याद करवाते हैं, देखिए अब चीजों को समझिएगा। अगर आपका ये सेंटर पे एंगल, इसको नाम आई दे दे, और अगर आपसे पूछे बी आई सी की वैल्यू क्या होगी, एंगल बी आई सी, देखिए प्रूफ करने का तो टाइम नहीं है लेकिन मैं 100% आपको याद करवाता हूं। इधर से एंगल क्या बनेगा, बी आई सी, इन सेंटर पे। एक एंगल क्या बनेगा, ए आई बी, अगर इधर की बात करें तो ए आई, एंगल क्या, ए आई, और भी बात करें तो एक एंगल हो जाएगा क्या, ए आई। अगर ये आपको निकालना है तीनों, तो जीवन में ना भूलने वाली बात यह है कि सब में 90 डिग्री लिखेंगे, सब में क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। क्लियर है, 90 डिग्री लिखने के बाद, है ना, आपको चीजों को समझिएगा ना। 90 डिग्री लिखने के बाद अगर हमें बी आई सी निकालना है, क्या निकालना है, बी आई सी, इसमें ए मिसिंग है कि नहीं, क्योंकि ट्रायंगल हमारा क्या था, एबीसी ट्रायंगल था हमारा क्या, एबीसी, तो हम इसमें ऐड कर देंगे क्या, ए वाई, जो मिसिंग है उसको आधा करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और ए आई बी में क्या मिसिंग है, सी, तो सी को जोड़ देंगे आधा करके, है ना। थर्ड में क्या बाबू, बी मिसिंग है, इसमें बी तो नहीं है ना, तो क्या लिख देंगे, 90 प्लस BY 2। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि त्रिभुज में अगर ये एंगल निकालना है तो इसके अपोजिट में जो ऊपर में जो एंगल है उसको आधा करेंगे, जोड़ देंगे। अगर ये एंगल निकालना है तो इस एंगल के अपोजिट में इधर क्या है, सी, सी को आधा करके जोड़ देंगे 90 में, सेम, है ना। उम्मीद करते हैं ये एंगल निकालने वाला चीज हो गया होगा। अब बात आती है, ये तो ज्योमेट्री का कंसेप्ट है ना। अब बात आती है कि मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन बनते हैं, क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में अगर बात किया जाए तो क्षेत्रमिति में रेडियस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो रेडियस के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए चीजों को समझिएगा, ये जो आपने पॉइंट जो आपका इन सेंटर है, इन सेंटर से अगर आप यहां पे परपेंडिकुलर डाल दें, क्या बोल डाल दें, परपेंडिकुलर, लंब, ग्रीन कलर से बना रहा ना, और ये भी आपका क्या है, लंब, और ये भी क्या आपका, लंब। तो ये जो तीनों जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने वाला ना, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर, इक्वल। तो जहां इक्वल हो गया मतलब हम लोग इसको स्मॉलर, स्मॉलर और स्मॉलर, उम्मीद करते हैं आपको विजिबल होगा, दिख रहा होगा, है ना।
तो अगर ये स्मॉलर स्मॉलर बन गया, मतलब हमारे पास तीन लाइन बन गया फिक्स डिस्टेंस पे, है ना, तीन फिक्स डिस्टेंस पे और तीन पॉइंट भी बन गया। तो सर्कल का डिफिनीशन होता है ना, मेनी पॉइंट के लोकस को क्या बोला जाता है, सर्कल। तो यहां से हम लोग अगर इस तरीके से बना दे, इस तरीके से, ये आपका बन गया इन सर्कल। इसलिए हमने इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, इन सेंटर के द्वारा जो सर्कल बनेगा उसको क्या बोलेंगे बाबू, इन सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन सर्कल। ये जो स्मॉल रेडियस है, स्मॉल रेडियस की अलग अलग कहानी होती है। जनरली अगर कोई भी विषम बाहु त्रिभुज है ना, पेन चेंज करता हूं, हो सकता है ना दिखे आपको, तो विषम बाहु त्रिभुज अगर है बाबू, जिसको स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, भुजाएं अलग अलग होती है। भुजाएं क्या होती है, अलग अलग होती है, एबीसी, एबीसी अलग अलग अगर भुजा है तीनों त्रिभुज का, इसका स्मॉल रेडियस निकालना है ना, स्मॉल आर, जिसको इन रेडियस बोलेंगे। तो ये हो जाएगा बाबू डेल वाई एस, जहां डेल क्या है, डेल है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्या क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्या है बाबू क्षेत्रफल। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, सुने होंगे आप लोग, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, जो हम लोग हीरो फॉर्मूला में लिखते थे ना, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी वाई टू। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, जहां डेल है हीरोन्स का जो फॉर्मूला है जो बचपन में पढ़े हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और क्या बाबू, एस माइनस सी, है ना। तो डेल की तो पता चल गई, और 2s बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, a प्लस बी प्लस सी, ये पूरा परिमाप होता है, त्रिभुज के तीनों लेंथों को जोड़ना क्या कहलाता है, परिमाप। तो बाबू s बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी वाई। इसी तरीके से बाबू अगर समबाहु त्रिभुज, जो मेन हम लोग का कंसेप्ट है, जो क्वेश्चन बनता है समबाहु त्रिभुज से, है ना, तो समबाहु त्रिभुज में भी सेम प्रोसेस होगा। वहां पे जो इन रेडियस होता है बाबू स्मॉल आर, है ना, वो स्मॉल आर जो होता है आपका ए वाई टू रूट थ्री होता है। क्या होता है, ए वाई टू रूट थ्री। ये कैसे ए वाई टू रूट थ्री आएगा, आगे हम लोग जब लंब केंद्र और केंद्रक, है ना, सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर, परिकेंद्र से परित्रिज्या, ये सब चीजें निकाल लेंगे, तो वहां पर मैं एक बार डिटेल में बता दूं। उम्मीद करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, और अगला पॉइंट पे चलते हैं बाबू। अगला पॉइंट पे अगर हम लोग चले तो अगला पॉइंट जो हम लोग का था क्या था, सर्कम रेडियस, क्या था बाबू, सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस बहुत आसानी से हो जाएगा ना, सर्कम रेडियस। अच्छा, पिछले में एक चीज और मैं भूल चुका हूँ, जो हो सकता है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाए, है ना। अगर समकोण त्रिभुज रहे, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या रहे बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें भी इन सर्कल और इन रेडियस का निर्माण होगा, प्रोसेस सेम होगा बाबू। प्रोसेस क्या होगा, सेम होगा, कुछ इस तरीके से वृत्त बनने वाला है ना, इसको पी मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए, इसको एच मान लिया जाए, है ना। तो आप इन रेडियस बराबर डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हैं पी प्लस बी, दोनों छोटा वाला को जोड़ दिए, और कर्ण सबसे बड़ा होता है इसमें, हाइपोटेनस, इसमें से एच को घटा देंगे और दो से क्या कर देंगे बाबू, डिवाइड कर देंगे, तो पी प्लस बी माइनस एच वाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज का अंतः त्रिज्या है, समकोण त्रिभुज का क्या बाबू, अंतः त्रिज्या। तो आई होप इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी होगा। चलिए, तो हमने क्या लिखा, सर्कम रेडियस परित्रिज्या, नाम देखिए, नाम जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो इन सर्कल था, अंदर की बात हो रहा था, ये कंफर्म है। परित्रिज्या, परि मतलब चारों तरफ, आप लोगों ने पढ़ा है बचपन में, है ना। तो ये अगर त्रिभुज है बाबू, इसमें सर्कम सर्कल या सर्कम सेंटर कैसे बनने वाला है, या सर्कम रेडियस क्या होने वाला है, तो इन चीजों को देखने के लिए बचपन को फिर से हम लोग याद करते हैं, बचपन की बातों को ताजा करते हैं। देखिए, अगर त्रिभुज एबीसी लिखा गया, क्या लिखा गया बाबू, एबीसी, है ना, चीजों को समझिएगा। अगर आधा प्रकार से ज्यादा लेकर इधर कट कर दे, और उसी प्रकार को बिना चेंज किए हुए, है ना, जो कंपास होता था आपको, उसको यहां से ऐसे काट दे, कुछ इस तरीके से होगा, और ऊपर और नीचे में सेम प्रोसेस करना, तो ये इस तरीके से आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं भुजा के लंब समद्विभाजक, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, है ना, भुजा के लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन या साइड बोल सकते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी होने वाला है बाबू, हम बोलेंगे कुछ इसी तरीके से होने वाला है, है ना, कुछ इसी तरीके से होने वाला है बाबू, इसमें भी तो कुछ ऐसे जाएगा, है ना। तो आप ये देख पाएंगे कि भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, सर्कम सेंटर बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। ये क्या है बाबू, परिकेंद्र, मान लेते हैं इसको ओ नाम दे देते हैं, है ना। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ओ नाम अगर हमने दे दिया, है ना, और इस केंद्र से अगर हम लोग बाबू ऐसे करके मिला दें, क्या कर दें, ऐसे मिला दें, और इसको भी ऐसे मिला दें,
तो जो येलो कलर में दिख रहा है ये तीनों डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, बड़ा आर से डिनोट करेंगे। क्या किसे डिनोट करेंगे? बड़ा आर। अगर बात करें कि अगर इसको केंद्र लेकर और तीन फिक्स अगर पॉइंट से अगर आपका सेम डिस्टेंस मिल गया है ना, तो आप बहुत आसानी से एक वृत्त का निर्माण कर सकते। यही आपका क्या हो गया? परिवृत्त। ये क्या हो गया? परिवृत्त। तो ये तो इंफॉर्मेशन है बाबू आपके लिए, है ना, जानकारी। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो बात करते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बचपन में आपने पढ़ा होगा या मैंने भी एक वीडियो में सर्कल वाले में पढ़ाया है कि अगर ये केंद्र है और ये एक जीवा है, जीवा का नाम क्या है बाबू? ए बी। इस जीवा द्वारा केंद्र पर जो बनाया गया कोण होगा, इसी जीवा द्वारा कहीं भी परिधि पर अगर कोण बनाया जाएगा, अगर ये थीटा बनाया जाएगा, तो इसका दुगुना होगा केंद्र पर। इसका दुगुना क्या होगा? केंद्र। तो अगर आपसे पूछे केंद्र पर बनाया गया कोण बीओसी, क्या पूछे बाबू? बीओसी। तो फिर से मैं आपको याद करवाने की गारंटी देता हूं। हम बोलेंगे गुरु जी बीओसी पूछे, क्या पूछे? बीओसी। या एओबी भी पूछ सकता है, एओबी। या आप क्या पूछ सकता है बाबू? एओसी। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, है ना, ध्यान से समझिएगा। बीओसी पूछ सकता है, एओसी पूछ सकता है, एओबी पूछ सकता है। तो हम बोलेंगे सर उसी टेक्निक के द्वारा अगर बीसी अगर आपका जीवा है और ये वाला कोण अगर मान लेते हैं थीटा है, क्या है बाबू? थीटा। तो क्या इसके द्वारा ये केंद्र पर बना ये कोण 2 थीटा नहीं होगा? अब बोलेंगे यस। तो यहाँ थीटा का सेंस क्या है बाबू? ए। तो ए का आप बोल सकते हैं ए का दुगुना ही होगा ना, थीटा का दुगुना, ये 2 थीटा अगर है, ए का दुगुना लिखेंगे, यानी कि जो मिसिंग जो पार्ट है उसका दुगुना करना, जो मिसिंग पार्ट है उसको क्या करना बाबू? दुगुना करना। अगर एओबी की बात करें तो मिसिंग पार्ट इसमें क्या है? सी। क्या है बाबू? सी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 ऑफ एंगल सी। इसमें मिसिंग क्या है बाबू? बी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 ऑफ एंगल। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, है ना। किसी भी विषमबाहु त्रिभुज के लिए अगर बात किया जाए, है ना, अगर स्केलन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल को ही हिंदी में विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसका हिंदी मैं लिख चुका हूं तो इस बार इंग्लिश लिख देता हूं, है ना, कम टाइम में ज्यादा काम। तो स्केलन ट्रायंगल में भी त्रिभुज एबीसी अलग अलग भुजा होगा। इसका अगर रेडियस निकालना तो इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा तीनों भुजाओं का गुणनफल इंटू 4 इंटू डेल्टा, जहां डेल्टा क्या है बाबू? एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ क्या है? ट्रायंगल। एरिया ऑफ, तो ये होगा विषमबाहु त्रिभुज। अगर आपसे पूछे समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो समबाहु त्रिभुज में अगर आपसे पूछे तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है बाबू? बराबर होती है। तो यहां पर जो कैपिटल आर होगा ए बटा रूट थ्री होगा बाबू। पिछली बार ए वाई 2√3 हुआ था, स्मॉल आर कितना हुआ था बाबू? ए वाई क्या था? 2√3। यहां से आप चीजों का अनुमान लगा सकते हैं कि सर स्मॉल आर जो है छोटा है तो ज्यादा से डिवाइड करेंगे, कंफ्यूजन ना होगा इसके लिए बता रहे, ज्यादा बड़ा से डिवाइड करेंगे तभी छोटा वैल्यू मिलेगा क्या, और ये गुरुजी कम से डिवाइड करेंगे तभी ज्यादा बड़ा वैल्यू मिलेगा। इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इन रेडियस और सरगम रेडियस, अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, है ना, या परित्रिज्या भी बोल सकते हैं इसको। तो ये दोनों का अनुपात निकालेंगे बाबू तो ये 1 होगा और ये क्या होगा? 2 होगा जब डिवाइड करेंगे। यही चीज बाबू अगर आपसे पूछ दिया जाए समकोण त्रिभुज के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बात करें बाबू तो ये पी है और ये क्या है? बी है और ये क्या है? ए। तो यहां पर जो प्रोसेस होता है लंबसम विभाजक के द्वारा और जो सेंटर जो बनता है बाबू, वो सेंटर बनता है कर्ण के मध्य बिंदु पर। किस पे बनता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है, यानी कि कर्ण के मध्य बिंदु बनेगा अगर ये तीनों शीर्षों को अगर यहां से यहां मिला है तो ये बराबर ये बराबर ये, अगर इसमें अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें तो बिल्कुल इस तरीके का वृत्त बनेगा जो हमसे अच्छा नहीं बना है ना, लेकिन आपको काम से मतलब है, सुंदर ड्राइंग से क्या मतलब है, है ना। तो यहां पर जो आर बराबर हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा? एच वाई। यहां पर आर बराबर क्या हो जाएगा? एच वाई 2। तो मैंने मेंसुरेशन और ज्योमेट्री को एक साथ अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या को कंफर्म कर दिया आपके लिए, लॉक कर दिया। अब अगला चलते हैं बाबू, जैसा हम लोग का स्टार्टिंग में लिखा गया था उसको देख लेते हैं। एक था आपका ऑर्थो सेंटर, और ऑर्थो सेंटर के बारे में मैंने ये बताया था लंब केंद्र है ये, क्या है? लंब केंद्र। इसके बारे में हमने बताया कि ये वृत्त का फॉर्म नहीं करेगा, वृत्त इससे नहीं बनेगा, है ना, वृत्त इससे नहीं बनेगा, जनरल ट्रायंगल में वृत्त नहीं बनेगा।
अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप बना सकते हैं है ना, लेकिन जनरली ऑर्थो सेंटर के लिए कोई वृत्त का निर्माण नहीं होता। ठीक, तो अगर कोई भी त्रिभुज ले और ऑर्थो सेंटर की बात हो रहा है तो हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, आपके लिए टर्म आया क्या, लंब केंद्र। क्या आया है, लंब केंद्र। लंब मतलब कि अगर सामने वाली भुजा से, सामने वाली सिर से सामने वाली भुजा पर अगर एक एक लंब डाला जाए, क्या डाला जाए बाबू, लंब डाला जाए है ना, तो यहां से भी लंब डाला जा सकता है और यहां से बाबू क्या डाला जा सकता है, लंब डाला। तो ये लंब डालेंगे तो जिस पॉइंट पे मिलेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब केंद्र। क्या बोलेंगे बाबू, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। इसके द्वारा वृत्त का निर्माण नहीं होता है, अब चिंता ना कर, केवल एंगल के बारे में सोचे। देखिए अगर हम नाम दे दे बाबू ए बी और सी, तीन नाम दे दिए क्या, ए बी और सी। अगर आपसे इसका नाम अगर दे दे ओ, जिस पॉइंट में मिल रहा है, अगर बीओसी निकालना रहे, क्या निकालना रहे बाबू, बीओसी है ना, तो हम लिख देते हैं यहां पे हमको क्या निकालना हो सकता है, बीओसी, और क्या निकालना हो सकता है, एओबी, और क्या निकालना हो सकता है बाबू, एओसी। ये तीन टर्म निकालना हो तो मिसिंग क्या है, ए यहां, सी और यहां क्या, तो इसी के साथ कुछ कॉम्बिनेशन आने वाला है सर आपके अकॉर्डिंग, जैसा पीछे चला है हम बोलेंगे यस। तो अगर बाबू इस चतुर्भुज को अगर कंसिडर करें, कौन सा चतुर्भुज, इसको नाम देते हैं एम और इसको नाम देते हैं बाबू एन, एक ही में बताएंगे बाकी चीज आपके लिए संभव हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि अगर ये चतुर्भुज है इस तरीके से, इस चतुर्भुज में आपको पता है कि किसी भी चतुर्भुज में चारों कोनों का ये 360 डिग्री होता है, ये बहुभुज में ये थ्योरी आता है। इसके लिए मेरा वीडियो है ना अपलोडेड है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में, तो बहुभुज में आप देख सकते हैं ना। ऐसे फिलहाल में मान ले ट्रायंगल में 180 डिग्री, चतुर्भुज में 360 डिग्री है ना। तो देखिए बाबू अगर ये वाला 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। क्या इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि टोटल हमारा 360 डिग्री होना है। तो अगर बाबू ये ए है तो क्या बोल सकते हैं, ये वाला 180 माइनस ए होगा। आप बोलेंगे यस सर, क्या होगा, 180 माइनस ए। और पिछले वीडियो में मैंने बताया कि दो लाइन एक दूसरे को अगर क्रॉस में कट करे है ना, तो ये वाला एंगल शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होता है, किससे बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाबू अगर ये 180 माइनस ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए। यानी कि यहां से हमें सर पता चल गया, आपने एक बता दिया, बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल ए। इसी तरीके से बाबू एओ बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल सी। इसी तरीके से क्या हो जाएगा बाबू, एओ सी बराबर 180 माइनस एंगल। आई होप आपको समझ में आया, आ गया होगा ये चीजें है ना। और लंब केंद्र जो है सब जगह एक ही होता है ना, विषमबाहु त्रिभुज बनाए, समद्विबाहु त्रिभुज बनाए, सब जगह है ना, एंगल के मामले में यही होता है। मेंसुरेशन से ज्यादा क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली नहीं बनता है, ज्योमेट्री में बनता है ना, तो वो थोड़ा सा अगले वीडियो में मैं डिटेल क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा, फिलहाल में इंफॉर्मेशन आपके लिए। अगला बाबू जो लास्ट है सेंटर हमारा, उसका नाम है सेंट्रोइड, जिसको बोलते हैं केंद्रक। सेंट्रोइड मतलब क्या होता है बाबू, केंद्र। इससे भी अगेन कोई भी वृत्त का फॉर्मेशन नहीं होगा, और हम अगर कोई भी एक विषमबाहु त्रिभुज या किसी भी जनरल ट्रायंगल को अगर हम ले लें और इसका नाम दे दे बाबू एबीसी, तो एबीसी में नाम से ही पता चल रहा है क्या, केंद्रक, सेंट्रोइड। क्या, सेंट्रोइड। नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन हमें ज्यादा अभी नामों पर ध्यान नहीं देना बाबू, काम करना है ना। एबीसी अगर एक ट्रायंगल है, पिछली बार ऑर्थो सेंटर जो बना था है ना, लंब केंद्र जो बना था वो अल्टीट्यूड के द्वारा बना था, लंब के द्वारा बना था। इस बार बाबू माध्यिका के द्वारा बनेगा, किसके द्वारा सेंट्रोइड बनेगा, माध्यिका, किसके द्वारा बनेगा, माध्यिका। माध्यिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन। अगर मीडियन के बारे में बात करें बाबू, तो अगर किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को कंसिडर करें और मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष से मिला दें, मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष से क्या करें बाबू, मिला दें, तो ये जो हमारा जो केंद्र जो बन, ये जो हमारा बनेगा लाइन, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, माध्यिका। क्या बोलते हैं, माध्यिका, क्योंकि मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली रेखा। इसी तरीके से बाबू इसको अगर मध्य बिंदु को मिला दें तो ये भी क्या हो गया, माध्यिका। इसको मिला दे तो ये भी क्या हो गया बाबू, माध्यिका। तो आप देख सकते हैं एम वन, एम टू और एम थ्री, तीन माध्यिका जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, तीन माध्यिका जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, सेंट्रोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड। इसका नाम हम लोग सी दे देते हैं, इसे घबराने की जरूरत आपको नहीं, सिर्फ आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि माध्यिका जो है ना, केंद्रक द्वारा माध्यिका को 2:1 में बांटा जाता है, 2:1 में बांटा जाता है, ये भी 2:1
और ये भी बाबू क्या 2:3। यहां से मैं आपके लिए चीजों को और आसान कर देता हूं। हम अगर बोल दें कि ए सी, सी यहां पे नाम दिए हैं और यहां पे भी सी, तो ये थोड़ा सा मिसमैच कर गया बाबू। सी डैश लिख लेते हैं, तो क्या लिख देते हैं, सी डैश, बाकी नाम कुछ भी आप रखो। तो ए सी डैश डिवाइडेड बाई ए एम वन, नहीं ए एम वन है, सी वन डैश एम वन। हो सकता है इससे कंफ्यूजन हो जाए ज्यादातर लोगों को, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं उसकी भावना को समझेंगे। यहां से लेकर यहां तक के लेंथ और यहां से लेकर यहां तक के लेंथ है ना, यानी कि सी वन डैश बाई एम वन बराबर हो जाएगा बाबू 2/1, 2/ क्या ए। टोटल कितना हो जाएगा बाबू 3 यूनिट, कितना हो जाएगा 3 यूनिट। सेम सिचुएशन यहां पे है बाबू। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गया होगा, और अब कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं और वीडियो का लेंथ ज्यादा बड़ा नहीं रख। जनरल इंफॉर्मेशन ये है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या बाबू, समबाहु त्रिभुज, किसी भी समबाहु त्रिभुज में सभी जो केंद्र है बाबू वो एक ही बिंदु पर होता है। सभी केंद्र में क्या क्या लिए हैं, आई इन सेंटर ओ है ना, और भी कुछ नाम लिए थे हम लोग, मान लेते हैं कुछ भी लिए हैं है ना, सी सी डैश कुछ भी है, चारों केंद्र, चार ही केंद्र पर है ना, चारों केंद्र एक ही बिंदु पर होगा। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, इसका मतलब जनरल में आपको समझना है कि सर इस केंद्र से जो लाइन पास करेगा ना वो मध्य बिंदु भी होगा, वो 90 डिग्री भी होगा, ये लंब समद्विभाजक भी होगा, और यही आपका कोनों का भी समद्विभाजक होगा। सारा इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब धन 22 पर सभी, सब क्या है बराबर, सब धन क्या है बाबू बराबर है। यहां इसी तरीके से अगर ये भी अगर आप इधर लेते हैं बाबू है ना, तो ये आपका क्या है, अंतः केंद्र भी है एक तरीके से, तो अंतः केंद्र है, तो इससे जो लाइन गुजरेगा ये कोनों का समद्विभाजक भी है, ये भुजा के भी समद्विभाजक है, ये 90 डिग्री भी है, और ये मध्य बिंदु भी है ना, ये क्या है बाबू मध्य बिंदु। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आया होगा कि ये समबाहु त्रिभुज एक ऐसा कंडीशन है जिसमें सभी केंद्र एक ही जगह पर होते, एक ही बिंदु पर होते है ना। तो आपके कमेंट पे डिपेंड करेगा कि आगे क्या मैं प्रोसीड करूं या ना करूं, ये आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।